आप प्लीज म्यूट भी कर लीजिएगा। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई की हम डेटा में डेटा के डैक्स फंक्शन में बात करेंगे। तो अभी तक हमने लॉजिकल्स पढ़ लिए, हमने टेक्स्ट पढ़ लिया, डेट एंड टाइम पढ़ लिया, ऑपरेटर पढ़ लिया, अब बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की। तो मैथमेटिकल फंक्शन कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें यूज होता है, तो चलिए उन चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटा को लेते हैं, डेटा में हम एक्सेल से कनेक्ट करते हैं। और इसमें हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को ओके। तो डेटा हमारा आ गया, तो इसमें हम बात करते हैं डैक्स फॉर्मूला की, मतलब कि जो फॉर्मूला है उसमें कुछ एडिशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि क्वांटिटी आप देख रहे हैं, तो इस डेटा में देखिए क्वांटिटी कुछ माइनस में भी आपको दिखे, कुछ क्वांटिटी प्लस में है, तो कुछ क्वांटिटी हमारा माइनस में भी है। अब इसकी फिल्टर लगाएंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा, देखा ना ये माइनस में, बेसिकली माइनस में नहीं होना चाहिए था, इसको प्लस में ही होना चाहिए था, समझे। बट क्या है कि जो डेटा जहां से आया है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आपका जो है वो माइनस में आता है, आता ना सर। तो इसलिए वो माइनस तो नहीं हुआ, बट हमें क्या करना है कि प्लस जो है प्लस ही रहे बट माइनस माइनस में हो जाए, सॉरी माइनस प्लस में हो जाए, प्लस प्लस ही रहे। तो मॉडलिंग में हम आते हैं और एक न्यू कॉलम पे जाते हैं, और यहां पे हम देते हैं पी क्यू क्यू आई, और फॉर्मूला हमारे पास होता है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू में हम अपना फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पे हमने कहा एबीएस और हमने अपनी वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब यहां आप देखेंगे कि कोई आपका फिल्टर में माइनस में नहीं दिखेगा, सब आपको प्लस में दिखेगा। तो एबीएस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते थे और इसका यूज पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर है, एबीएस समझ में आ गया जी? आ गया, मैं थोड़ा सा म्यूट पर चला गया हूँ, सोचा कि नहीं। उसके बाद बात आती है सेलिंग की। सेलिंग फॉर्मूला होता है राउंड राउंड नंबर ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर इन द इंटीजर मल्टीपल सिग्निफिकेंट। इसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो क्वांटिटी 50 आया हुआ है, बट हम 50 क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 50 क्योंकि हमारा बैक जाता है, अगर किसी ने 50 क्वांटिटी दिया है तो उसको 60 ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आप ऑर्डर एक करें चाहे पांच करें या सात करें, हम आपको 10 का ही बंडल भेजेंगे, समझे ना। तो यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी पता करना है। न्यू कॉलम में आता हूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी, अब यहां पे मैं लगाता हूं सेलिंग का फॉर्मूला, सेलिंग सेलिंग में नंबर हमारा है पी क्वांटिटी और सिग्निफिकेंट है हमारा 10 का। अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सेलिंग का यूज होता है, तो एक समझिए ना, जैसे हम नंबर्स को राउंड करते हैं, जैसे डेसिमल को राउंड करते हैं, उस तरह से इसको भी राउंड कर सकते हैं।
नहीं नहीं एक मिनट सुजीत जी, ये समझ में नहीं आया मेरे, एक्चुअल क्वांटिटी इज 60 राइट, सो पी क्वांटिटी कहां गया? 51 था ना इसलिए 60 कर दिया, ये 11 है तो 20 कर दिया, 75 है तो 80 कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई दिखा रहा है। ओके ओके गॉट इट। एक ऑर्डर करे या सात करे या नौ करे, हम 10 का ही बिलिंग। ओके समझे, 10 का मल्टीप्लिकेशन है। ये बात समझ लिए ना कि आप एक मान लीजिए आप कॉलिंग बेचते हैं और कॉलिंग हम आपका दर्जन के हिसाब से बिकता है, आप एक पीस ऑर्डर नहीं कर सकते, आपको दर्जन एक दर्जन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो किसी ने अगर मान लीजिए आपको 422 पीस का ऑर्डर किया तो 422 पीस आप ऑर्डर नहीं लेंगे क्योंकि आपको 12 का मल्टीप्लाई में ऑर्डर लेना है। ऑर्डर ले भी देते हैं तो बिना नहीं करेंगे, उस केस में इसका यूज चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप टेलीफोन ही ले लीजिए कि आप एक मिनट बाद एक सेकेंड बात करें या 59 सेकेंड बात करें, आपका कॉल तो 60 सेकेंड का उठता है ना जी। अगर आपने 61 बात कर लिया तो आपका 120 का उठेगा, ऐसे आपने अगर 123 ले लिया तो 180 का उठेगा। तो ये सेम काम यहाँ पे आपका सेलिंग करता है, और नया सेलिंग आपको हाँ समझ में आ रहा है, पर ये क्या ना म्यूट पर जाता हो ना तो रिस्पांस में टाइम लग जाता है। तो सेलिंग तो बहा दे रहा है ना, एक फ्लोर होता है जी। सेलिंग भी जैसा ही काम करता है लेकिन अपोजिट होता है, मतलब कि 51 है तो 50 कर देगा, 60 नहीं करेगा, समझे? मतलब कि मान लीजिए कि हमने 51 का बिलिंग किया तो सेलिंग बताएगा 60 में हाईएस्ट 60 और फ्लोर बताएगा लोएस्ट क्वांटिटी 50, मतलब कि फ्लोर कम कर देगा, राउंड डाउन कर देगा और सेलिंग देता है। आया यस बन आ गया जी हाँ, कोई डाउट इसमें नहीं? एक फॉर्मूला हमारा कॉम्बिन का होता है, कॉम्बिन कॉम्बिन को मैं आपको एक्सेल समझाता हूं, पावर बी आई पे अप्लाई करके देंगे। कॉम्बिन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने दो का इंटरव्यू लिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है ना, लेकिन मुझे ज्वाइन करना दो ही को है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि मैं ए और बी को ज्वाइन करूं करवाऊं, दूसरा ऑप्शन है कि बी और सी को ज्वाइन करवाऊं, और तीसरा ऑप्शन है कि ए और सी को ज्वाइन करवाऊं। क्या सर, समझे कि नहीं? जी हाँ, यही काम आपका कॉम्बिन करता है, कॉम्बिन 3, 2 3। मैं बोल दूं 5, 2 तो ये आपका आएगा 10, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ABCDEFG करके 5 तक जाएगा और 2-2 का ग्रुप बनाएगा और जितने ग्रुप बनेंगे वो बता देगा। यहां भी कॉम्बिन मुझे मान लीजिए यहां पे ये टोटल कॉल्स है, मान लीजिए मेरे पास दो वेबसाइट है राइट, और हमारा सेल 51 है, तो कितने चांसेस है कस्टमर को, मतलब कि मुझे क्या करना है, मेरे पास 51 में कस्टमर आया है और इस कस्टमर को दोनों वेबसाइट के ऊपर डालना है, कितने चांसेस, कितने चूज बनेगा, मतलब कितने चॉइसेस हो सकता है, तो आपका कॉम्बिन बताता है। हालांकि पावर बीआई में इसका यूज आज तक हमें पता नहीं चला है, मैं ढूंढ नहीं पाया हूं कि क्या हो सकता है, लेकिन मैंने फॉर्मूला समझा दिया कि
कभी जरूरत पड़े इसका यूज आप कर सकते हैं। कॉमन नंबर है QQI क्वांटिटी और हमने बोला दो वेबसाइट है दो। समझ में आ गया जी हाँ cos theta sin theta दे दे क्या करेंगे दूसरा कि मान लीजिए मुझे इस पर डॉलर साइन डॉलर के साइन मान लीजिए अमाउंट हमारा है या टोटल अमाउंट है या फिर मान लीजिए जी टोटल है मुझे इस पर डॉलर का साइन चाहिए तो मैं यहां से डॉलर का साइन लगा सकता हूं। मैं यहां से ये कर सकता हूं यूनाइटेड स्टेट हो गया पर ये कन्वर्टिंग है कोई भी इसको हटा सकता है ना जी हाँ तो उस केस में मैं चाहता कि नहीं यार फिक्स हो जाए हमारा यार हटा देता हूँ यहाँ से करेंसी जनरल कर दिया लग गया डेटा टाइप नंबर्स ले लो या फिर कुछ ले लो डेटा टाइप ऊपर फॉर्मेट टाइप जनरल कर दिया फॉर्मेट टाइप जनरल करना हां मैं इस पे जनरल कर रहा था हां ऊपर होता है हां फॉर्मेट कैन सी डेटा टाइप यहां चूज कर सकते हैं क्या मतलब न्यू रोल और यहां पे मान लीजिए मैं डॉलर और यहां पे मैं करेंसी का फार्मूला लगाता हूं और करेंसी में सेलेक्ट कर लेता हूं जी टोटल टोटल आ जाएगा। इसकी आप किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है सर देखा है ना जनरल है बट देन ये यूएसडी में ही लेता है हमेशा डिफॉल्ट। हेलो बोलगा डिफॉल्ट डॉलर और अगर कोई दूसरा करेंसी करना होगा तो नहीं तो यहां से करना पड़ेगा। ओके अब इसे मान लीजिए मुझे एवरेज क्वांटिटी ठीक है ना तो मैं अमाउंट क्वांटिटी को टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है एवरेज अमाउंट निकालना है मान लीजिए इसमें क्या होगा कि अगर आप न्यू कॉलम करते हैं बताता हूँ आपको यहाँ पे मैंने ए वी जी और यहाँ पे मैं देता हूँ किया इसमें मैंने किया टोटल डिवाइड बाय यहां पे रिजल्ट आ गया ना। सपोज दैट अगर आपका जीरो होता तब क्या होता अगर यहां जीरो होता तब क्या होता तो यहां एरर आता ना सर। हेलो यहाँ पे आप मान लीजिए कि जीरो से डिवाइड होता मान लीजिए कि ग्रांड टोटल जीरो होता जीरो से डिवाइड होता तो यहाँ पे एरर आता जी हाँ तो मैं चाहता हूँ कि नहीं एरर नहीं आए तो या इसको मैं फॉर्मूला होता है डिवाइड का
डिवाइड के अंदर मैं रखूंगा। इसमें क्या होगा कि अगर एरर हुआ तो वहां पे ब्लैंक या फिर जो यहाँ पे दिख रहा था अल्टरनेटिव, यहाँ तीसरा जो आप डालेंगे अल्टरनेटिव में वो आपको शो करेगा। ऐसे इसमें आपका अगला है इवन, वो नेक्स्ट इवन नंबर दिखाएगा, उसके बाद फैक्ट फैक्टोरियल नंबर दिखाएगा, जीसीडी महत्तम दिखाएगा, जैसे डिवाइडर इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, एक एलसीएम है, पावर है जो कि स्क्वायर निकालता है, टोटल किसका छोटे में फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला रैम बिटवीन है, तो रैम बिटवीन फॉर्मूला आता है आप लोगों को, कौन सा रैम बिटवीन? हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, एक्सेल में पता है, जो एक्सेल में लगता है यहाँ भी सेम होगा, यहाँ पावर भी है, मैंने एक्सेल में रखते राउंड के फॉर्मूले जो डेसिमल्स को राउंड कर देते हैं, राउंड 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 अप, मैं बता ही देता हूँ, जैसे मान लीजिए टोटल है तो डिवाइडिंग और यहाँ पे न्यू कॉलम यहां पे मैं कर देता हूं राउंड टोटल। एक फॉर्मूला हमारे पास राउंड का है जो कि जो नंबर डालेंगे उसकी डेसिमल को राउंड करता है, समझे? और कितना डिजिट करना है उतना, जैसे एक ही डिजिट आ रहा है मुझे दो डिजिट चाहिए तो मैं दो डिजिट में आपका डेसिमल प्लेस दिखेगा, दो एक ही दिख रहा है इधर, राउंड होता है दो डिजिट में, जीरो कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे जीरो दिखेगा, वैसे आपका राउंड डाउन होता है, तो क्या करेगा डेसिमल हटा ही देगा मुझे, राउंड डाउन हटा देगा, राउंड में होता नीरे, जैसे कि अगर 5.50 है तो 6 दिखाएगा, बट राउंड डाउन क्या करता है आपका डाउन कर देता है क्योंकि डेसिमल हटा देता है, ऐसे राउंड ऑफ ये हमेशा अगली वैल्यू दिखाता है, अगर 0.1 भी है फिर भी वो आपको राउंड जैसा मतलब कि कंस्ट्रक्शन मतलब अप में दिखाएगा, आपका एक स्क्वायर रूट है और दो तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपके उसके क्या काम आते हैं, इसमें काम आते हैं, मेजर्स में आते हैं, सम साइन के, तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूआरएल भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम लास्ट कैटेगरी की बात करेंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला की, फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे, जी हाँ ओके ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है जी, थैंक यू, मैंने भेज दिया आपको, ओके मिल जाएगा, मिलते हैं कल सेम टाइम।